नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से 35 मिनट तक हुई पीएम मोदी की बात। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से ऐसे मौके पर बात की है जब रूस और यूक्रेन के युद्ध को 12 दिन हो चुके हैं। आइए आपको चार बिंदुओं में बताते हैं दोनों के बीच क्या हुई चर्चा। समाचार एजेंसी ANI ने भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया है कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन में बदलती स्थितियों को लेकर चर्चा की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जारी वार्ता की भी सराहना की। भारतीयों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकालने में मिली मदद को लेकर पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को शुक्रिया भी कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने सुमी से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन सरकार से समर्थन की मांग की। बता दें कि सुमी में अभी भी 700 छात्र फंसे हैं। ये इलाका युद्ध में सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ अब तक इतनी गोलीबारी हो रही है कि छात्रों को यहाँ से निकलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। अब भारत सरकार ने युद्ध विराम की घोषणा के साथ ही यहाँ फंसे भारतीयों को निकालना शुरू कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें सी लॉर्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।